चुनाव आयोग ने अब नए युवा मतदाताओं को निर्वाचन नामावली में नाम बढ़वाने के लिए एक वर्ष में चार अवसर दे दिए हैं, जिससे अब नए मतदाताओं को अपना नाम वोटर लिस्ट में बढ़ाने के लिए एक साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सारंगपुर निर्वाचन अधिकारी SDM राकेश मोहन त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि चुनाव आयोग ने नए युवा मतदाताओं को अपना नाम वोटर लिस्ट में बढ़ाने के लिए वर्ष में चार अवसर प्रदान किए, जिसके तहत अब नए मतदाता जो अपना नाम मतदाता सूची में बढ़वाना चाहते हैं वह पत्र भरकर 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर को अपने BLO को देकर भी अपना नाम बढ़वा सकेंगे। इसी के साथ फॉर्म नंबर 6, 7, 8 में नए संशोधन की भी जानकारी सही करा सकेंगे, जबकि अभी तक मतदाताओं ने सूची में नाम बढ़वाने के लिए 1 जनवरी का इंतजार करना पड़ता था। अब नए मतदाता को 1 जनवरी 2023 से ये सुविधा प्राप्त होगी। इसके साथ ही त्रिपाठी जी ने बताया कि नए मतदाता सभी कार्ड को भी आधार से लिंक किया जा रहा है, इसके लिए भी BLO को समय सीमा 31 मार्च 2023 दी गई है। भारत निर्वाचन द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार करने में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसमें निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने काटने संशोधन आदि प्रक्रिया में जो फॉर्म उपयोग में लाए जाते हैं वो प्रारूप 6 है, प्रारूप 7 है, प्रारूप 8 है, तो इन प्रारूपों में कुछ संशोधन किए गए हैं। तो इस संशोधन के बारे में अवगत कराने के लिए आज की ये प्रेस वार्ता की गई है। इसके अलावा जो निर्वाचक नामावली में जो एलिजिबल डेट होती थी वो अब तक 1 जनवरी होती थी, आयोग द्वारा अब यानी 4 तारीखें निर्धारित कर दी गई हैं इसके लिए, यानी 1 जनवरी के स्थान साथ साथ अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर निर्धारित कर दी गई है। यानी इन तारीखों में अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है तो निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा जो एक नवीन कार्य 1 अगस्त से आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया है, वो जो हमारी निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है उसके आधार नंबर को घर घर BLO हमारे कलेक्शन कर रहे हैं और उन आधार नंबर को मतदाता सूची से ऐड किया जा रहा है। तो इस तरह से ये सारी नई जानकारियां देने के लिए आज की प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। तो वो है ना अधिकृत एजेंसी भारत निर्वाचन की ऊना की वो रखिए देश के हर शहर हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।